चलिए अब हम इसे याद करते हैं, षड दर्शन। पहले का कल का याद है? कल हमने क्या पढ़ा था? वेदांग। छह वेदांग क्या थे? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योति। चलो ठीक है, याद। चलिए आइए, छह दर्शनों में हम देखते हैं सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्वांश, उत्तर मीमांस। मेरे साथ बोलोगे, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। षड दर्शन सांख्य, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य, न्याय, योग, हमें इसके साथ ये भी लिखना है। तो आप बोलोगे सांख्य कपिल मुनि, न्याय गौतम मुनि, ऐसे याद रखना, ठीक है? सांख्य, 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 सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय 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 दर्शन, वैशेषिक या उलूक नंदा, वैशेषिक, 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 सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, योग, याद कराने की जरूरत है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेद व्यास, बादरायण वेद व्यास। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य, न्याय दर्शन, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य, न्याय दर्शन, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे सांख्य दर्शन कपिल मुनि तत्व। हाँ चलिए, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन तत्व दर्शन, सांख्य दर्शन तत्व दर्शन। सांख्य दर्शन कितने तत्वों की बात करता है? 25 तत्व। प्रथम प्रकृति, अंतिम पुरुष, ठीक है। सांख्य दर्शन 25 तत्व, प्रथम अंतिम तत्व, सांख्य दर्शन, ऐसा बोलोगे, पूरा बोलोगे, सांख्य दर्शन 25 तत्व, प्रथम प्रकृति, अंतिम पुरुष। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि,
ठीक, सांख्य दर्शन तीन गुण सत रजतम, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन तीन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। अच्छा, और इन षड् दर्शन में सबसे प्राचीनतम कौन सा? सांख्य, सांख्य दर्शन प्राचीनतम। ठीक है, सबसे प्राचीनतम दर्शन, सबसे प्राचीनतम दर्शन, सबसे प्राचीनतम दर्शन। संख्या कारिका कौन से दर्शन से संबंधित किताब है? किसके द्वारा? ईश्वर शर्मा। संख्या कारिका आप बोलोगे तो ईश्वर शर्मा सांख्य दर्शन। ठीक है, संख्या कारिका, संख्या कारिका, अच्छा संख्या नहीं है वो, है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका। क्या ये सांख्य कारिका? सांख्य कारिका, सांख्य कारिका ईश्वर शर्मा सांख्य दर्शन। उतना याद रखने की जरूरत नहीं, नामी में है। ठीक है, चलिए अब आप सांख्य दर्शन के बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, षड् दर्शन में सबसे प्राचीनतम दर्शन सांख्य। सांख्य दर्शन किसके द्वारा रचित है? कपिल। सांख्य दर्शन किस के संबंध में बताता है? तत्व दर्शन है। और कितने तत्वों की जानकारी देता है? 25। प्रथम तत्व किस क्या मानता है? प्रकृति। अंतिम तत्व पुरुष। सांख्य दर्शन कितने गुणों के बारे में बात करता है? 3। वो गुण क्या क्या है? अच्छा, और इससे रिलेटेड एक किताब है सांख्य कारिका, किसके द्वारा रचित है? ईश्वर शर्मा। ठीक, ये हो गया। आइए, न्याय दर्शन गौतम मुनि द्वारा। ठीक है, न्याय दर्शन ने क्या किया? एक फैक्ट है, वैशेषिक दर्शन के पदार्थों की सूची, ये पदार्थ है, पदार्थों की सूची में एक नया पदार्थ अभाव जोड़ा। ठीक है, और वासायन इस दर्शन के मानने वाले हैं और यह तर्क दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। अब आपको देखना है कि ये दर्शन किस पर आधारित है। तो न्याय दर्शन गौतम मुनि तर्क दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन को मानने वाले, न्याय दर्शन को मानने वाले, ये वात्स्यायन कौन है पता? ये वात्स्यायन वही है जिन्होंने कामसूत्र किताब लिखी है, वात्स्यायन है, उसने वात्स्यायन लिखा है ना, वात्स्या है, आज से चलेगा। ठीक है, न्याय दर्शन को मानने वाले, न्याय दर्शन को मानने वाले। अच्छा, अब न्याय दर्शन ने एक नया पदार्थ जोड़ा वैशेषिक दर्शन में, वो क्या है? अभाव। ठीक है, न्याय दर्शन ने वैशेषिक दर्शन में नया पदार्थ जोड़ा, उसका नाम न्याय, न्याय दर्शन ने वैशेषिक दर्शन में एक नया पदार्थ जोड़ा, उसका नाम न्याय दर्शन ने वैशेषिक दर्शन में एक नया पदार्थ जोड़ा, उसका नाम न्याय दर्शन ने वैशेषिक दर्शन में एक नया पदार्थ जोड़ा, उसका नाम अभाव। तो चलिए हम देखते हैं न्याय दर्शन के संबंध में क्या। न्याय दर्शन किसके द्वारा रचित है? गौतम। अच्छा, न्याय दर्शन से मानने वाले एक बहुत विख्यात वात्स्यायन। अच्छा, न्याय दर्शन ने एक नया पदार्थ जोड़ा, उसका नाम कहाँ जोड़ा? ठीक है, आइए वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन कणाद उलुकन और भौतिकी और अणु विज्ञान, बस भौतिकी और अणु विज्ञान बोलना, वैशेषिक नाम बोलो उसके बाद भौतिकी और अणु विज्ञान। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन,
वैशेषिक दर्शन, ठीक। योग पतंजलि द्वारा सबको पता, आत्मनियंत्रण एवं आत्मयातना को सर्वोपरि माना है। किसको सर्व, योग दर्शन ने किसको सर्वोपरि माना है? योग दर्शन द्वारा सर्वोपरि माना गया है, योग दर्शन द्वारा सर्वोपरि माना गया है, ठीक। योग के कितने चरण है? आठ। ये यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना है, तोला याद है ना। देखो एक फ्लो में चार चार नाम याद होगा, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। है बस मुंह हिला रही क्या है? हाँ तो आराम से, प्रेम से, मछली मार्केट नहीं, ऐसे आराम से बोलो। यम नियम आसन प्राणायाम, 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 यम नियम आसन प्राणायाम। ऐसे मुंह पे जवान पर रच जाएगा, जैसे देखोगे ना ऑप्शन एक फ्लो में आएगा, ठीक है। अगला चार, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, शब्द के बीच में ब्रेक एकदम से लगातार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बस योग सूत्र तो ये आप जानते हो पहले से, इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पतंजलि पहले वहां पढ़ चुके हो, कहां? वेदांग में, ठीक है। योग सूत्र किसके द्वारा? पतंजलि। योग सूत्र किसके द्वारा? पतंजलि, ठीक है। चलिए अब आइए पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है। पूर्व मीमांसा वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है, ठीक है। पूर्व मीमांसा ऐसा दर्शन है जो वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है, मतलब यही सिर्फ वेद ही है प्रूफ, यही सत्य है, ठीक है। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद सर्वमान्य सत्य है और अंतिम है, ठीक है। इनके बाहर कुछ सच नहीं है, सिर्फ वेद ही सच है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। चलिए तो पूर्व मीमांसा ने अंतिम प्रमाण किसको माना है? 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 वेदों को। पूर्व मीमांसा से संबंधित दर्शन शास्त्री सबरा स्वामी, ठीक है। पूर्व मीमांसा के दर्शन शास्त्री, पूर्व मीमांसा से संबंधित दर्शन शास्त्री पूर्व मीमांसा सबरा स्वामी, पूर्व मीमांसा सबरा स्वामी, पूर्व मीमांसा सबरा स्वामी, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। जैमिनी सूत्र,
इससे संबंधित किताब जैमिनी सूत्र जैमिनी द्वारा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जैमिनी सूत्र जैमिनी द्वारा। ठीक, इधर आइए। उत्तर में मानसा किसके द्वारा? बादरायण वेद। उत्तर में मानसा, उत्तर में मानसा, उत्तर में मानसा, इसका अर्थ क्या है? वेदों का अंत है। उत्तर मीमांसा का अर्थ, उत्तर मीमांसा का अर्थ, उत्तर मीमांसा का अंत, उत्तर मीमांसा का अंत। ठीक, इससे संबंधित जो किताब है उसका नाम ब्राह्मण सूत्र। किसके द्वारा? ब्राह्मण द्वारा। ठीक है, उत्तर मीमांसा से संबंधित किताब, उत्तर मीमांसा से संबंधित किताब, उत्तर मीमांसा दर्शन से संबंधित किताब। ठीक, इसको मानने वाले? ठीक है। अच्छा, एक काम करो, पदा और शंकराचार्य। ठीक है, उत्तर मीमांसा को मानने वाले? अरे याद कर लोगे? अच्छा चलो, याद हो गया ना। ठीक ठीक है, चलिए अब बारी बारी से एलिमिनेशन राउंड। इधर देख के बोलने कोशिश नहीं करना, शीट पे देखने की कोशिश मत करना, अपन एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, षड दर्शन, वो छह दर्शन के नाम। पहला किसके द्वारा? दूसरा, उसके बाद का दर्शन नया दर्शन किसके द्वारा? गौतम मुनि। फिर तीसरा किसके द्वारा? फिर उसके बाद पतंजलि। किसके द्वारा? उसके बाद किसके द्वारा? उसके बाद किसके द्वारा? ठीक, अब सांख्य दर्शन किनके बारे में बात करता है? तत्वों के बारे में। कितने तत्व? प्रथम तत्व प्रकृति, अंतिम तत्व पुरुष। क्या क्या सांख्य दर्शन गुणों के बारे में बताता है? हाँ, कितने गुण? तीन। वो गुण क्या है? अच्छा, और इन दर्शन में सबसे प्राचीनतम दर्शन? अच्छा, और इससे संबंधित एक किताब आपने पढ़ी किसके द्वारा? न्याय दर्शन किसके द्वारा? अच्छा, न्याय दर्शन ने वैशेषिक दर्शन में एक नया पदार्थ जोड़ा, उस पदार्थ का नाम अभाव। ठीक है, और न्याय दर्शन को मानने वाले दर्शन शास्त्री? वात्स्यायन। ठीक है, और या न्याय दर्शन किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित। न्याय दर्शन किस पर आधारित है? वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा? वैशेषिक दर्शन किस पर आधारित है? भौतिक विज्ञान, अणुविज्ञान। ठीक है, वैशेषिक दर्शन किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? योग किसके द्वारा? अच्छा, और योग इस दर्शन के अनुसार किसको सर्वोपरि माना गया है? आत्मा ही आत्मा। ठीक है, इससे संबंधित किताब? योग सूत्र। योग सूत्र महाभाष्य योग से संबंधित नहीं है, योग से संबंधित किताब योग सूत्र किसने लिखी है? अच्छा, और अब इस पे आते हैं। चलिए, योग के कितने चरण? आठ चरण। बढ़िया, ऐसे कुछ चीजें जमान जमान में बस जाती है। अभी मैं तुमको बताऊं, ये याद भी नहीं रहेगा ना, जब तुम्हारे सामने चार ऑप्शन रहेंगे आ जाएंगे, ऐसे आता है। ठीक है, चले, पूर्व मीमांसा किसके द्वारा? अच्छा, और पूर्व मीमांसा ये जो दर्शन है ये किनको अंतिम प्रमाण मानता है?
वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है। ठीक है, और पूर्व मीमांसा से संबंधित एक दर्शन शास्त्री सबरा स्वामी और इससे रिलेटेड किताब क्वेश्चन। उत्तर मीमांसा किसकी दर्शन किसके द्वारा दिया गया? बागरानिया। ठीक है, और उत्तर मीमांसा का अर्थ और इससे संबंधित उत्तर मीमांसा संबंधित किताब ब्राह्मण द्वार। ठीक है, और इससे उत्तर मीमांसा से संबंधित दो दर्शन शास्त्री। एक फैक्ट है गंगारीडाई, तो गंगारीडाई क्या है तो आपसे पूछ सकता है कि आर्यों का साम्राज्य बंगाल में कहां था, उस स्थान का नाम गंगारीडाई। ऐसे ही एक फैक्ट, डब्बे में डाल लो उसको, डब्बे में है ना, डब्बे में है मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट है वो कहीं से। चलो रिमाइंड करें, सब नोट्स पलट डालो, नोट्स पूरा एकदम बंद कर दो। दर्शन कितने, सूत्र कितने, छह। प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया? सांख्य दर्शन किस पर आधारित है? कितने तत्व, प्रथम तत्व, अंतिम तत्व। अच्छा, सांख्य दर्शन कितने गुणों के बारे में बात करता है? तीन। वो गुण क्या है? सांख्य दर्शन से संबंधित एक किताब आपने पढ़ी, किसके द्वारा रचित है? चलिए, सांख्य दर्शन के बाद हम आते हैं न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन किसके द्वारा? गौतम मुनि द्वारा। न्याय दर्शन ने एक, न्याय दर्शन किस पर आधारित है? तर्क पर। न्याय दर्शन ने एक नया पदार्थ जोड़ा वैशेषिक दर्शन में, अभाव। ठीक है, तो इससे आपको एक और फैक्ट मिल गया कि अगर भौतिक विज्ञान और अणु ना दे पदार्थ दे दे तो हाँ है ना, अभाव पदार्थ। अरे पगली नहीं, वैशेषिक दर्शन आधारित है अगर भौतिक विज्ञान और अणु विज्ञान नहीं दिए, पदार्थ दिया तो पदार्थ, क्योंकि ये क्या बता रहा है, न्याय दर्शन ने एक नया पदार्थ जोड़ा, कहाँ जोड़ा, वैशेषिक दर्शन में, और वो पदार्थ का नाम क्या है? अभाव। ठीक है, वैशेषिक दर्शन से को मानने वाले एक दर्शन शास्त्री वात्स्यायन। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं हम वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किस पर आधारित है, किसके द्वारा है, किस पर आधारित है? अणु विज्ञान। ठीक, और इससे संबंधित कुछ नहीं। आगे चलते हैं, योग दर्शन किसके द्वारा, योग दर्शन किसको सर्वोपरि माना है? ठीक है, योग दर्शन में योग के कितने चरण माने गए हैं? आठ। क्या है? ठीक, अच्छा, इससे संबंधित एक किताब भी आपने पढ़ी, उसका नाम तो किसने लिखा है? आते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसके द्वारा रचित है? जैमिनी द्वारा। ठीक है, पूर्व मीमांसा किनको अंतिम प्रमाण मानता है? वेदों को। अच्छा, पूर्व मीमांसा को मानने वाले दर्शन शास्त्री सबरा स्वामी और इससे रिलेटेड कोई फैक्ट था? हाँ, इससे रिलेटेड एक किताब जैमिनी सूत्र, जैमिनी द्वारा लिखा। बस उत्तर मीमांसा बाद नारायण वेद व्यास द्वारा, उत्तर मीमांसा वेदों को किनको अंतिम प्रमाण मानते हैं? वेदों नहीं, अर्थ उत्तर मीमांसा का अर्थ क्या है? वेदों का अर्थ। अच्छा, और उत्तर मीमांसा से संबंधित एक किताब आपने देखी थी ब्राह्मण सूत्र, किसके? ब्राह्मण द्वारा। ठीक, अच्छा, उसके बाद दो दर्शन शास्त्री से संबंधित आपने देखे थे,
अच्छा, और एक तो एक विशेष फैक्ट कभी लटके झटके पूछ सकता है, गंगारीडाई तो ये क्या है? बंगाल में एक स्थान का नाम है, यहाँ आर्यों का साम्राज्य स्थापित है। ठीक है,